अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का करते हैं आगाज। तो आप कहते होंगे शाम का टाइम तुसी कितने टोर पे हो। शाम का टाइम इसलिए क्योंकि आनन फानन हमारा प्रोग्राम बना है। मैंने जाना था आपको, किन्ने दिन मतलब टपा देते हैं, दिन दिन टपाई जान दे से टपाई। मुझे इतनी मुश्किल लगती है बाहर वो एशियन सामान लेके जाने का, क्योंकि ग्रोसरी करने का मतलब कि आके वो जो संभालना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल लगता है। खैर, चीज़ें सारी ख़त्म हो गई थी आपको मैंने पिछले दिनों में काफ़ी दफ़ा बताया। आटा ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गया, पत्ती भी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं पीजी पत्ती यूज़ करती हूँ, जो मुझे नहीं वो पसंद ना, वो खुल जाती है और पत्ती वो मतलब वो गंध डालते हैं। मैं इसीलिए वो टी बैग लेके आती हूँ, क्योंकि वो मुझे पत्ती खुली जो है ना, उसके साथ मुझे बहुत सिंक में पहले पत्ती निकालो, फिर उसको साफ़ करो, फिर मशीन में तेजी लगाओ, तो ये 3-4 स्टेप बढ़ जाते हैं ना, तो समझा करो। मुझे किसी ने मैसेज किया था और ये आपको इतना मुश्किल लगता है कि पत्ती चाहे जो आपने वो पूनी के साथ पूननी, आपको मुश्किल लगती है? मुश्किल नहीं लगती डियर, मुश्किल ये लगती है कि उसके 3 स्टेप बढ़ जाते हैं। ये पत्ती पत्ती के लिए पूनी निकालो 1 स्टेप, फिर पूनी के लिए चाय डालो 2 स्टेप, फिर जब सिंक में डाला फिर पत्ती निचोड़ के मूल में फेंको, कूड़े में फेंको 3 स्टेप। तो फिर ये देखे ना, 3 स्टेप बाद के टाइम भी ज़ाया हो गया। तो ये बात है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी जेठानी की तरफ, क्योंकि उस साइड पे ना एक तो वैसे मार्केट में जो पाकिस्तानी शॉप है ना, वो ज़्यादातर उसी के पास है। तो उसके बिल्कुल नाल दी गली च एक मार्केट पड़ी है, जिसके चावल बड़े अच्छे होते हैं। मैंने पहले दफ़ा पहले भी यूज़ किए थे, और जब मेरा ख़त्म हुआ ना चावल, तो मैं और दूसरे और किस्म के लिए, जो मेरे पूरा महीना बड़ी मुश्किल मैंने गुजारा। तो अब मैंने सोचा था कि मुझे चावल वही लेके आने, वो चावल बरकत चावल, तो बड़े अच्छे चावल बनते हैं। तो मुझे ये थे चावल मैंने उसी दुकान से लेने हैं, तो चावल उस दुकान से लिए, फिर दूसरी शॉप में गई, वहां से मैंने राशन रूशन सारा इकट्ठा करना था। अभी मैं आपको वहां पे जाके बताऊंगी। अभी मैं जेठानी के घर पहुंच गई हूँ, क्योंकि 6-7 का टाइम था जब मेरा प्रोग्राम बना, और बेटे ने कहा कि मैं तो जा नहीं रहा, क्योंकि उसका अपना एक प्लान था। एकदम जाकर प्रोग्राम बने ना, फिर तुसी सच्ची में पहले आप अपने मियाँ का देखते हैं, उनका सोचते हैं, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते फिर बच्चों का सोचना पड़ता है, उनके अपने एक मनसूबे होते हैं ज़िंदगी के। तो फिर मुझे यह था कि नहीं जाना था ना से, फिर मैंने छोटू को पकड़ा, गाड़ी पकड़ी और निकल गई। तो मैं अभी सुबह हो गई है, क्योंकि बाजी को बिल्कुल नहीं पता था कि हम लोगों ने आना है। जैसे बेल दी है तो उनके बच्चों के लिए भी और भाजी के लिए भी सरप्राइजिंग था, तो पर खुश हो गए, हम भी तो खुश होते। बच्चे ये था कि जाते हैं, मुझे ये था कि सुबह जाएंगे और साथ ना ग्रोसरी करके वापस आ जाएंगे। लेकिन इनको जो मेरे मियाँ है वो भी कह रहे हैं कि मैं भी काम पर जा रहा हूँ, लुकमान भी घर नहीं है, तो फिर तुम अभी चलिए जाओ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं चली गई। तुम देखो मेरी कुर्बानी, मैं कितनी अच्छी बच्ची बन के कह रही, इसलिए मैं चली गई। बड़ा सौखा नहीं थी लेकिन मैं चली गई थी। तब अगली सुबह हो गया, मैं मिशन पे निकले, जो काम करने आई थी ना, ये था कि ये पहले करके मैं चली जाऊं, क्योंकि गोश्त वगैरह भी लेना था। तो ये था कि ठंड है, गोश्त कौन सा ख़राब हो जाना गाड़ी में, फिर भी ये था कि घर में टाइम पे चली जाऊं, ताकि ना मैं फ्रिज भी ना रखना पड़ा, वो जो पैक शॉप पर मैं उसको ना साफ़ सुथरा करके फ्रीज करके फिर सोऊं। तो इसी चक्कर में 10-11 का टाइम है और हम अपने निकल पड़ी हैं सफ़र पर। तो 2-3 दुकान में जाने थे, क्योंकि बाज़ चीज़ें होती है कि एक जो एशियन मार्केट है वहाँ पर नहीं मिलती, और आटा जो है ना वो एक फिक्स मार्केट है, वहाँ पर खाना होता है बच्चों ने, मतलब ना हमें शुरू से वही लगा, मोटा मोटा आटा खाया ही नहीं जाता। तो खैर, दो निकलते निकलते ना 11 बज गए, और इतनी ठंड थी, हद मुक्की पी थी, तोबा जिसम च वाड़ जैसे ठंड, इतनी तेज हवा बहुत थी, पता नहीं कहाँ कहीं बर्फ पड़ी है क्या है, उसकी निशानियां ही लग रही थी कि बड़ी ठंड थी। तो खैर अंदर में आ गई, आज मेरे मियाँ नहीं है ना, तो मेरे मियाँ साथ ना इस मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में, आपको पता है वीडियो बनाना कितनी शर्म वाली बात, शर्म वाली की शर्म बड़ी आती है, क्योंकि सारे अपने होते हैं, और आपको पता है हमारे माशाल्लाह भाई साहब भी वैसे होते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आगे आप खुद ही समझदार है। तो बड़ी शर्म, मुझे बड़ी शर्म आती है, क्योंकि गोरू की मार्केट में बनाना मेरे लिए वीडियो बड़ी ईजी है, और ऐसे अपनी जाओ जानने वाले होना, वहाँ पर जाके कैमरा उठाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मैंने चीज़ें भी लेनी थी खुद ही, मियाँ साथ रहो तो वो कैमरा पकड़ लेते हैं, तो साथ साथ मेरी हेल्प हो जाती है। तो आज सारी मकैन की मैंने ही करनी है, मैं ही कैमरा मैन है, मैं ही खरीदो फरोख लिया। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी क्लिप इकट्ठे कर लिए, जहाँ कोई नहीं था ना वहाँ जाके बना लेती थी, जहाँ एक दो भी अफराद होते फिर मुझे बड़ी होता था कि मैं ना बनाऊँ ना। तो खैर मैंने जो भी क्लिप ली है आप देख रहे हैं, जिसने जो देखना है देख लें, क्योंकि यहीं से चीज़ें मैं लेती हूँ। तो
इस दफा ना मुझे ये बड़ी नई चीज लगी थी, नॉर्मल ये मैंने देखे ही नहीं थे। तो ये आलू बुखारा थे नॉर्मल, इस जो गोरों की मार्केट है ना, लिडल आलू में मिल जाते, लेकिन वो बड़े मतलब और तरह के होते हैं। वो आलू बुखारा नहीं होते, फ्लोमन टाइप, पता नहीं वो आलू बुखारा ही क्या है। बहरहाल ये वाले सही वाले आलू बुखारा, जो इमली आलू बुखारे की रात को भुगो के सुबह उसकी जो पानी मिलता है ना, वो पाकिस्तान में जब हम पीते हैं तो कहते हैं ना गर्मी में पीना चाहिए तो सीट ठंडी होती है। तो खैर मैंने देखी, मुझे बड़े मजेदार लगे। इमली भी मेरे पास ये रही है। तो अभी मैं देसी घी ढूंढ रही थी, देसी घी नीचे चला गया, अभी मैं आपको देख रही। मैं उसी इसी लाल में आई थी कि देसी घी ले लूँ, क्योंकि मैंने लिडल से लिया था, तो खैर वो भी है इमरजेंसी के लिए ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक तवा लिया है, वो मैं आपको ना वीडियो में दिखाऊंगी घर जाकर राशन। तो खैर मैं जो ग्रोसरी करके आए वो तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, नई चीज जो लेके आई हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो पत्ती यूज करती हूँ वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि पत्ती के बहुत सारे सवाल आते हैं। पत्ती खैर मैं बड़ी दफा बता चुकी हूँ कि मैं कौन सी यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी ये होता है ना माशाल्लाह नए मेरे साथ सिस्टर्स आ रहे हैं, तो फिर जो नए हैं उनको तो फिर बताना ही पड़ता है ना। तो अभी यहाँ से मैंने भाई साहब को पहले ही बोल दिया था कि भाई साहब हमारा बकरा तैयार कर दे, मैं वापसी फिर ले लेती। तो वो गोश्त पूछ रही थी कि भाई दे दे अगर हो गया तो वो लिया है। तो अभी मैं काउंटर पे आ गई, काउंटर से डायरेक्ट तन में छाल मार के घर लेके जानी हूँ, मैं तने दुखानी में की लेके आई हूँ। तो ये तनूर है, तनूर लेना है किसी ने तो खैर मेरा दिल करा है नया तनूर ले लो, क्योंकि तनूर मेरा बड़ा खराब हो गया है। तो देखूंगी अगली दफा। खैर मैं वापस ना पहले बाजी की तरफ गई हूँ, वहां से खाना शाना खाया, जल्दी जल्दी मुझे तो अंधेरा हूं, तो पहले मैं ना कार चले जाए, मुझे बहुत अंधेरे में ना गाड़ी की लाइटें पड़ती है, मेरे से गाड़ी चलती नहीं है। तो इसी चक्कर में मैंने जल्दी सारा काम किया और मैं आके ना सजावट कर ली सारी। मुझे ये यहीं से स्टोर से मैंने चीजें रखनी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली मैं पत्ती यूज करती हूँ, दानेदार टपाल दानेदार, और फर्स्ट टाइम ये मैं जिंजर क्यूब्स लेके आई हूँ फ्रीज हुई फ्रोजन ना, मुझे थे ट्राई कर, पिछली दफा मैं लेके आई थी जो शीशियों में होती है, तो खैर वो इतना मजेदार नहीं लगी, उसकी खुशबू बड़ी अजीब सी थी। तो ये फ्रोजन लेके आई हूँ फर्स्ट टाइम, और ये मैं लेके आई हूँ फिश, इनकी फिश बड़ी अच्छी होती है, अगर मसाले वाली बनाए या फ्राई करे बड़ी अच्छी होती है। एक पैकेट मैं ये लेके आई हूँ, बाकी पैकेट नमक मिर्च हल्दी जो भी देख के मैं गई थी केड़ी चीज घर है केड़ी नहीं है। बाकी तिल मेरे खत्म हुए थे, क्योंकि नान बनाने होते हैं तो नान तिल के बगैर बनते नहीं है, तो ये बड़े जरूरी थे। ये चीजें लेके आई हूँ और मैं कोई इतनी खास क्या, बाकी तो सारी घर की चीजें जो आप देख भी रहे हैं। मुझे ये था कि चलो मैं जो फर्स्ट टाइम चीज़ें लेके आया ना वो मैं आपको दिखा दूँ। हाँ मैंने आपको पकौड़ियाँ भी दिखाई हैं, वो भी मैं लेके आई हूँ जो दही भल्ले में डालते हैं, और सब्जियाँ फ्रेश जितनी मेरे पास नज़र आई थी मैंने सारी उठा ली हैं। रस लेके आई हूँ, पापे पापे लेके आए, मुझे पापे कहते हैं कराची वाले, जो मेरे मामू लोग रहते हैं ना वो पापे कहते हैं, वो रस नहीं कहते, जो पंजाब में रहते हैं ना वो रस कहते हैं, शायद पंजाब में भी पापे कहते हो पर मैंने हम रस ही कहते हैं। तो मटर थे इतने साफ तो नहीं थे, लेकिन मैं थोड़े से ले आई कि चलो चावल शावल बनाऊंगी। शक्करकंदी लेके आई हूँ, हरी मिर्च ढेर सारी लेके, हरी मिर्च इतनी मजे की है जैसे अचार डालने वाली, और ये देसी घी है जो मैं लेके आती हूँ यूज करती हूँ। अचार लेके आई हूँ मिक्स शान का, ये बड़ा मुझे मजे का लगता है, मुझे बड़ी वाली जो प्लास्टिक की वो नहीं, ये छोटी छोटी पता है था सा फ्रेश फ्रेश खत्म हो जाता है, फ्रेश खोल लो तो बड़ा मजे का लगता है। ये मेरी माशाल्लाह ग्रोसरी है, तुसी वेख लो। तो इहदे नाल मैनू दो इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।